वहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट प्लस आपको थोड़ा सा गेम्स और कुछ कुछ जो यहाँ के टीनेजर्स वगैरह जाते हैं और कपल्स जाते हैं वहाँ पे, और मतलब बड़े in a small scale like it is a fun place, that's what I heard. Maine jo suna hai ki wahan chalte hain aur chal ke dekhte hain. Hum pahunch gaye hain, ye wo jagah hai jahan pe hame andar jana hai, aur ye main isliye dikhana cha raha hu ki bahut sare log hamare ilake mein rehte hain aur baat se bhi aate hain jo aksar koi spare time mein fun cheez activity dekhna chahte hain. क्योंकि सीनरीज तो आप एलए में देखते ही रहते हैं, ऑब्वियस ही बात है. ये इसका नाम है कैमियो प्लॉट और यहाँ की पार्किंग होल्डर. सो जब मैं भी शुरू में आया था तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मैं सोच रहा था यार ये लोग कहाँ जाते हैं सिवाय बीचेस के अलावा और क्लब्स के अलावा. बीइंग अ मुस्लिम फैमिली हम सोचते हैं कि यार हम क्लब वगैरह तो नहीं जा सकते और अपनी बर्थडेज भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और ग्रुप्स भी वेलकम है और किसी को बर्थडे सलाम कर. ये जगह एनएम में है और इसका एड्रेस 3200 है, अच्छा नंबर है. और लुक्स लाइक अ फन प्लेस. और भाई गर्मी में खड़े हो लोहे के कपड़ों में हैं. वैसे इंडोर लेजर टैग भी है भाई, वैसे इंडोर आर्केड टाउन भी है, वैसे इंडोर बम्पर कार इन टाउन भी है. ओए होए भाई को तो सीन लग रहा है यहाँ पे. ये और ये खूबसूरत सी यहाँ गोल्फ क्लब है इसके, वो सामने फ्रीवे है बना हुआ है, लोग बैठ के खाना खा रहे हैं. तो भाई यहाँ पे जो है वो हर चीज़ की प्राइस सेपरेट है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं. गोल्फ है और है लेजर टैग है, बम्पर बोर्ड्स हैं, बम्पर कार्ड हैं, आर्केड है. आप इन्होंने हमें गोल्फ के कुछ गेंदे दिए हैं, गोल गोल गेंदे गोल गोल, और ये कुछ डंडियाँ दी हैं गोल्फ खेलने के लिए. ये सब मिनी गोल्फ, लेकिन अब अंदर चल के देखते हैं कि कैसा मतलब वहाँ पे सारा उसका सीन है. लेट्स सी भाई, ये पहला हमारा मार्का है नंबर 1, ये पहला कोर्ट है और बाकी सारे कोर्ट नीचे हैं. इतना खूबसूरत बना हुआ है, देख सकते हैं पूरा माहौल. सो अगर आपको बच्चों को गोल्फ सिखाना है या उनको थोड़ा सा एंटरटेन करना है तो लेट्स सी यहाँ से चलने का. ये रही हमारी बॉल्स, अब हम यहाँ शुरू होते हैं. यहाँ आके रुक गई और कंपनी ने कहा यहाँ से चलो. और अब हम आ गए हैं होल नंबर 2 पे, यानी दूसरे सुराख में डालने के लिए अब. और बड़ा इसमें डिफरेंट तरीका है, लेट्स सी. और ये जो हमारे छोटे प्लेयर हैं ये आसरा ही नहीं कर रहे, कह रहे हैं भाई मुझे खेलने दो, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं हूँ टाइगर बोर्ड का बच्चा. मेरा तीसरा और
और यहाँ से इसको मारना है वहाँ तक। अब देखते हैं कैसा होता है। इतनी देर से यहाँ ढूंढ रहे हैं, हमारी गेंद कहाँ चली गई? यहाँ ढूंढ रहे भैया, पता चला वो तो वहां पड़ी हुई है, वहां पे ये पड़ी हुई भैया। वाह 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 वाह। और अब मुझे ये बहुत स्वाद सुना पड़ा। हाँ देखते हैं। हम तीसरे होल की तरफ जा रहे हैं। नहीं तीसरा तो ये था, तीसरा कहाँ था? थर्ड वन है, पहला दूसरा, अच्छा ये तीसरा ही था। ये चौथा होल है, इस ग्राउंड का होल है जो हमें इंजॉय करना है। ओ ब्यूटीफुल शावर, ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, इट्स वेरी गुड फॉर डेट्स। अगर हमारे मतलब देसी स्टाइल में तो आपको शादीशुदा होकर आना है, अगर आप छुप छुप के भी आ रहे हैं तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे कम देसी मिलेंगे आपको। तो आप अपनी बच्ची लेके आ सकते हैं यहाँ पे खामोशी से, अगर आपने अमेरिका में कोई बच्ची सही है तो। चले अब ये शॉट खेलते हैं। मैंने बॉल जो है पानी में फेंक दी है, बॉल पानी में फेंक दी है। निकल आई, हम पाकिस्तानी कहीं से भी कुछ निकाल सकते हैं। आज ही हम पांचवें होल की तरफ आ गए, और इससे पहले जो है मैंने फेंक दी थी गेंद पानी के अंदर, क्रिकेट शॉट चमट के गोल्फ का शॉट लगा दिया था। लेकिन अब जो है ये इस घर को तोड़ना है, देखते हैं इस घर की क्या। बचपन में याद है क्रिकेट खेलते थे गली मोहल्ले में, एक घर ऐसा होता जिसकी अक्सर बॉल उस पर जाती थी और वहाँ पर कुछ तोड़ते थे शीशा, और फिर वो इतना हंगामा होता था मोहल्ले में। खैर अब ये कुछ लड़कियाँ हैं जिनका चला है, मस्ती सूझ रही है, तो उन्होंने सोचा हम अंदर जंग मारें, हमें शॉट मारता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट। अभी हम छठे सातवें होल पे आ गए और अब तक दो ही होल में डाल सके, और गोल्फ होल में ये डायनासोर इंतज़ार करते करते जो है ये देखें हमारे इसका वहाँ जाना है, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा। लेट्स सी करके देखते हैं। भैया हम ग्यारहवें होल तक पहुँच गए और वो भाईजान अपना होल के खड़े हैं, कह रहे आओ आओ बताता हूँ मैं आओ। उनके हाथ में दो छोटे छोटे उनके जैसे ही भाई हैं। यहाँ थोड़ा शेडो है तो आपको एग्जैक्टली माहौल नज़र आएगा। आज ही अब हम बारहवें होल पे आ गए और इसमें डालनी है बॉल हमें, और इसमें डालने के बाद पता नहीं कहाँ से निकलेगी, फिलहाल डाल के देखते हैं भाई। आज ही हम ये पंद्रहवें होल तक आ चुके हैं और ये सामने है अफ्रीकन क्वीन डायमंड माइन होल। अब हमें ये पार करना है, फिर आगे एक और बला भी है, फिलहाल इसको करना है। होए होए इतने सारे सुराग और सिर्फ दो बोतलें, आई मीन दो गेंदे हैं। वो वहाँ से छुपे छुपके देख रहा है ये मियाँ। अबे क्या देख रहे हो बेटे, कड़े कड़े तुम्हारा ये हाल हो गया है। अब ये है सोलवा इसका दर्जा, यानी कि ये सोलवा सुराग है, और इसमें आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं बॉल को, और क्योंकि हम थक चुके हैं और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या है। यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं तकरीबन नाव पे, और नाव पे ही हम थक गए,
लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छी सीटिंग बनाई हुई है उन्होंने बैठने के लिए, जैसे आप यहाँ बैठ सकते हैं और अपना खाना वाना ला खा सकते हैं अगर आप लाते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस, डेट के लिए भी बहुत अच्छी है, चाहे बच्ची के साथ आएँ, चाहे अपनी बीवी के साथ आएँ, चाहे अपनी बीवी के होते हुए दूसरी बच्ची के साथ आएँ। जैसे आप देख रहे हैं कपल जो है वो खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं एक कपल ऑलरेडी खेल रहे हैं वहाँ पर, और ये काफ़ी लोग हैं, और ये खूबसूरत सा दरख्त हमारे पीछे है, बड़ा सा मतलब बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, और आप यहाँ पे आराम से आके इंजॉय कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर आगे मजीद सुराखों के पास जाएंगे जो गोल्फ कोर्स के अंदर है मौजूद। गोल्फ होल ये देखें, ये पानी की टंकी, और धूप बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। आई थिंक आप अगर ठंडे वेदर में आएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा, पानी बहुत साफ़ सुथरा है, लिटरली हाथ डालने का दिल चाह रहा है। लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा सेट बनाया हुआ है, और ब्रिजेस है, ये आप देख रहे हैं, मैं होल में डालने वाला हूँ अपने दूसरे होल में। 1 2 3 ये भी एक राइड है, इसमें आप पानी की राइड है, आप इस पर बैठ के गोल गोल घूम सकते हैं। बच्चों को भी, तकरीबन टीनेजर या 4-5 साल से उम्र के बड़े जो बच्चे हैं वो सब बहुत इन्जॉय करेंगे। ये गोल गोल घूमती है, हमारे पास आज टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम कभी आए ज़रूर इस पर। चलो बस ये हमारा आज का दिन कंप्लीट हुआ, और एक आर्केड गेम भी है अंदर पूरे, मतलब जितने भी जो गेम्स होते हैं, जो हम बोर्ड गेम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होते हैं वो अंदर मौजूद हैं वहाँ पर। बाकी आज का ये दिन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि चांद नज़र आ गया है मुझे, और एक घर जाने का टाइम है, और ये राइड बहुत ही आला थी भाई, बहुत ही आला। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो होम, और इस शाह अब्दुल कुद्दूसी की महल को हम खुदाफिज़ कहते हैं। बाय बाय।